बैंक अकाउंट वगैरह आयरलैंड में कैसे खुलवाते हैं, बैंक ऑफ आयरलैंड और एक AIB अलाइड आयरिश बैंक, कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो गया, ID प्रूफ हो गया, मनी जार में अकाउंट खोलना बहुत सिंपल है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। आज है 29th दिसंबर, तो ये शायद से मेरी इस ईयर की लास्ट वीडियो होगी। हाँ, 2020 की लास्ट वीडियो होगी। और इस वीडियो में मेरे को काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, लाइक जनवरी इनटेक स्टार्ट होने वाला है, तो काफ़ी मेरे को इंस्टा पे टेक्स्ट वगैरह आ रहे थे कि बैंक अकाउंट वगैरह आयरलैंड में कैसे खुलवाते हैं, और मैंने उस पर कभी पहले वीडियो बनाई भी नहीं है, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ। फिर उसके बाद दो तीन मैंने शूट करके भी रखी हुई हैं, वो मैं डाल दूँगा अभी फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में, लेकिन पहले ये जो आ रहे हैं उनका काम कर देता हूँ। तो बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं स्टूडेंट्स जब वो आते हैं आयरलैंड में, तो वो बताऊँगा इस वीडियो में मैं। तो स्टूडेंट्स जब आते हैं आयरलैंड में, तो दो नए बेस्ट बैंक दिखते हैं, एक है बैंक ऑफ आयरलैंड और एक है AIB अलाइड आयरिश बैंक करके। तो दोनों बैंक अच्छे हैं। बैंक ऑफ आयरलैंड में थोड़ा लाइक डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़्यादा लेते हैं वो, और उसके ब्रांचेस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, अराउंड 200 ब्रांचेस पूरे आयरलैंड में दोनों की हैं। बैंक ऑफ आयरलैंड में अकाउंट खुलवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज़्यादा अच्छे होते हैं और उसमें टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि सिक्योरिटी वगैरह में फ़र्क पड़ता होगा, कोई ज़्यादा सिक्योर है कोई कम सिक्योर है, बैंक ऑफ आयरलैंड का नाम है थोड़ा ज़्यादा। AIB मतलब हमारे जितने दोस्त हैं मोस्टली अराउंड 90% सबका अकाउंट AIB में खुला हुआ है। बैंक ऑफ आयरलैंड में अकाउंट ना खुलवाने का मोस्टली सबका रीज़न यही होता है कि वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं एक तो, और फिर उसमें वेटिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, अराउंड 8 to 12 weeks होता है, तो कार्ड आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो इतने टाइम लोगों को लगता है कि उनके पैसे वगैरह कैसे आएंगे इंडिया से। तो ये एक ड्रॉबैक है बैंक ऑफ आयरलैंड का। और दूसरा फिर AIB हो गया। AIB अच्छा बैंक है, मेरे कितने सारे दोस्त में सबको जानता हूँ, सामिश तक सबके पास AIB का ही कार्ड है, और AIB में अकाउंट खोलना कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि उसमें दो तीन ही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो, एक तुम्हारा कॉलेज का रजिस्ट्रेशन हो गया, ID प्रूफ हो गया, और एक एड्रेस प्रूफ हो गया, इसे छोड़ के और कुछ नहीं मांगते वो। और उसमें वेटिंग टाइम भी थोड़ा कम होता है, 8 weeks के आसपास होता है। तो बैंक ऑफ आयरलैंड और AIB दोनों का कार्ड आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और अकाउंट खुलता वही 1 से 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर है, दो भी नहीं कभी, बैंक ऑफ आयरलैंड में ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था, मेरा अकाउंट खुलने में 30-40 days तो मेरे को उसी में लगे थे अपॉइंटमेंट मिलने में, AIB में था मेरा, और AIB में है मतलब मेरा अकाउंट अभी, मेरा बैंक ऑफ आयरलैंड में भी है, क्योंकि बैंक ऑफ आयरलैंड के पहले ट्रिनिटी में एक ब्रांच थी, तो मैं पहले सबसे पहले वहीं गया था, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे थे, तो मैंने AIB में भी अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे भी अपना एक अकाउंट खुलवा लिया था। लेकिन उस टाइम बीच के टाइम ना मेरा फॉरेक्स कार्ड चल रहा था, तो फॉरेक्स कार्ड में पैसे डालना आसान होता है, लेकिन जब कैश विड्रॉल करते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज़्यादा लगती है फॉरेक्स कार्ड पे, लाइक मेरे वाले पे तो लगती है, बाकी का नहीं पता मेरे को, तो अकाउंट नहीं खुल रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर और भी बैंक्स हैं यहाँ पे, जैसे अल्स्टर बैंक हो गया, EVS हो गया, लेकिन फिर उन सब में वही टाइम का बहुत इशू रहता है, तो टाइम तो यही लगता है, कम से कम 2 महीने तो मान ही चलो लगेंगे। लेकिन अगर किसी को लाइक आते ही अपना बैंक अकाउंट वगैरह खुलवाना है, तो अपना नियो बैंक खुलवा सकते हैं। नियो बैंक क्या होता है, उसकी कोई ब्रांचेज नहीं होती, लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट होता है उसमें, और सारे फैसिलिटीज़ वगैरह सब मिलती हैं, हेल्प वगैरह पूरे टाइम मिलती है, कार्ड मिलता है। तो ऐसे एक नियो बैंक है मनी जार करके। मनी जार में अकाउंट खोलना बहुत सिंपल है, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लग सकते, हार्डली 5 मिनट का काम है। और मनी जार सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो एक नॉर्मल बैंक करेगा, बस उनकी कोई ब्रांच नहीं होती, और उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत होती है क्योंकि हेल्प 24/7 मिलती रहती है। मनी जार एक आयरिश ओन बिजनेस है, तो रिलायबिलिटी की भी कोई बात नहीं है, Tier 1 बैंक्स बैक करते हैं इसे, और इसमें सब हो जाता है, एक मास्टर कार्ड का वर्चुअल कार्ड मिलेगा, फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और अगर तुम्हें फिजिकल कार्ड चाहिए तो उसके 5 यूरो अलग से होते हैं। इसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स वगैरह का भी इन्होंने ऑप्शन डाल दिया था, अभी जून से डाल दिया है इन्होंने। फिर ये पहले 4 मंथ्स के लिए, जब तक तुम्हारा अकाउंट नहीं खुल रहा तब तक फ्री ट्रायल है इसका, उसके बाद पेमेंट वगैरह करनी होती है सर्विस, वो भी मिनिमल कॉस्ट होती है। तो आते ही सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के लिए बेस्ट ये रहता है, किसी को पैसे चाहिए इंडिया वगैरह से मंगवाने हैं, तो आते ही अपना मनी जार में अकाउंट खुलवा लो, और फिर इसी पैसों को तुम जैसे इंस्टेंट ट्रांसफर इंडिया में पेटीएम हो गया उसकी तरह यूज़ कर सकते हो, और फिर इन्हीं पैसों को अपने बैंक अकाउंट में बाद में जैसे तुम्हारा AIB का टाइम लग रहा है खोलने में उसमें ट्रांसफर कर लिया, फिर इसमें पड़े रहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें तुम्हारा एप्पल पे चलेगा, गूगल पे चलेगा, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तुम्हारा एड्रेस प्रूफ, ID जो AIB में चाहिए थे मोस्टली वही चाहिए, और वेरीफिकेशन वगैरह इसकी बहुत जल्दी हो जाती है। तो हाँ यही है, इसका डाउनलोड करने का लिंक यहीं के डिस्क्रिप्शन में है, उससे जाके डाउनलोड कर लो, 5 मिनट लगेंगे, और फिर नॉर्मल बैंक की तरह यूज़ करो आए हो तो। फिर आने के बाद अगर तुम्हें लग रहा है 4 महीने बाद, लाइक 4 महीने बाद तुम्हारा अकाउंट वगैरह खुल जाएगा, उसके बाद लग रहा है यहाँ से पैसे निकाल के वहाँ डालें तो वो सब कर लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है,
और यहाँ पढ़े रहने तो बेस्ट है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वही है, बैंक्स वगैरह का कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो मेरे को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए, कहाँ पे चाहिए, मेरे को एक इंस्टा पे मेरे को टेक्स्ट कर देना या फिर नीचे कमेंट्स में डाल दो।